बिहार के जानी मानी हस्तियों में से एक आनंद कुमार ने गरीब बच्चों के पढ़ाई और आईआईटी में प्रतियोगी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने के लिए सुपर 30 का कॉन्सेप्ट चलाकर सैकड़ों छात्रों को सफलता दिलाई, जिसके बाद पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना और देश के साथ साथ विदेशों में भी आनंद कुमार की इस हुनर को सम्मानित किया गया। इसी से प्रेरित होकर बॉलीवुड ने उनके ऊपर फिल्म बनाने की सोची। यह फिल्म 12 जुलाई से रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका ऋतिक रोशन ने निभाई है। इसका ट्रेलर भी इन दिनों लोगों के बीच आ गया है और ये ट्रेलर खूब पसंद किया जा रहा है। हमने इस फिल्म को लेकर आनंद कुमार से बात की कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस फिल्म को लेकर। उन्होंने इस फिल्म से जुड़ी अपनी कई बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने फिल्म की तैयारी के लिए अपने जीवन के संघर्ष के पल फिल्म के निर्माताओं से साझा किए। सुपर 30 के नाम पर फिल्म भी बन रही है, कब तक रिलीज होने की अंदाज है, क्या कितनी खुशी है? सुपर 30 पर फिल्म पर ये बहुत खुशी है, ट्रेलर देखकर भी बहुत खुशी हुई और ये फिल्म 12 जुलाई को पूरे दुनिया में प्रदर्शित होने जा रही है। मेरा विश्वास है कि इस फिल्म देख के युवा पीढ़ी रहे या बच्चे रहे इंस्पायर होंगे, उनमें एक भावना जागेगी कि अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है लेकिन इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फिल्म लोगों को काफ़ी प्रेरित करेगी। स्टोरी लिखते वक्त आपसे संपर्क किया गया? बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि हमारे स्टोरी राइटर रहे, डायरेक्टर रहे ऋतिक रोशन जी, सब हमसे टच में थे फिल्म बनाने वक्त। और टाइम टू टाइम मुझे बॉम्बे बुलाया जाता था, हमारे विचारों को लिया जाता था, इसलिए फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। क्या क्या चीज़ आपसे मतलब चलने का स्टाइल, बातचीत करने? हाँ, ये सब ऋतिक जी ने बहुत इस पर मेहनत की है, हमारे पूरा नकल करने के लिए, वेशभूषा के लिए, सबसे बड़ी बात है हमारे स्टाइल में बोलने के लिए उन्होंने लगभग करीब 10 महीने तक लगातार मेहनत की है। तो और वो ट्रेलर में दिख भी रहा है, ट्रेलर देख के हमारे परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। हमारे पुराने सुपर 30 के बच्चे आश्चर्यचकित थे, बोल रहे थे ये तो लग रहा है कि मैं आनंद सर को ही देख रहा हूँ। तो फिल्म में जिस तरह से मेहनत किया गया है, हमारे विकास बहल डायरेक्टर ने मेहनत की है, ऋतिक रोशन ने एक्टिंग में मेहनत की है, ज़रूर फिल्म बहुत अच्छा करेगी। रिलीज होने से पहले आप खुद देखना चाहेंगे? जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो लोगों ने फिल्म अच्छी बनाई, स्क्रिप्ट तक मेरा हस्तक्षेप था और बाद में उनका काम था, तो हम लोग साथ में ही सभी अपने स्टूडेंट के साथ परिवार के साथ जरूर देखना चाहेंगे। इस फिल्म को लेकर आनंद कुमार काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। एक आम आदमी की संघर्ष की गाथा जब फिल्मी पर्दे पर आएगी तो ये देखना होगा कि बिहार के बाहर लोग इसे कैसे पसंद करते हैं। लेकिन ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार के टैलेंट को अब पूरी दुनिया फिल्मी पर्दे पर भी बड़े स्तर पर देखेगी और जानेगी। राजेश कुमार झा, पटना, बिहार तक।